हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह, और दो तीन खास बिंदु है जिसको लेकर हम आपके बीच आए हैं। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सचिवालय सहायक की परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है या उसकी क्या परिणति होने वाली है, इसके संदर्भ में जो है वो जानकारी दी जाए। निश्चित रूप से लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द हियरिंग हो, और जो केस फाइल किया गया है उसके संदर्भ में एक जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे कि केस 19 मार्च को फाइल हुआ। केस फाइल होने के बाद क्या होता है, केस सुनवाई के लिए है या नहीं है माननीय उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल जो हाईकोर्ट है वो तय करती है। निश्चित रूप से हम लोग केस बिल्कुल सुनवाई के लिए था, केस जो है स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, टोकन नंबर मिलता है, उसमें भी 8-10 दिन समय लगता है। टोकन नंबर मिलने के बाद क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लगातार उस समय मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो हम घर पर थे, लगातार हमारे लॉयर ये कॉल कर रहे थे, कुछ साथी भी कॉल कर रहे थे कि ये जो है ना डिफेक्टेड बता रहा है, यानी केस नंबर जो फाइल किया गया वो डिफेक्टेड बता रहा है। हमने कॉल लॉयर को फोन किया तो वो बता रहे थे कि इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो क्लियर नहीं है, कहने का मतलब वो साफ नहीं है। तो साफ करने के लिए फिर हम लोग गए, एक एक क्वेश्चन को टाइप करवाए, और तत्पश्चात जो है फाइल हुआ। फाइल होने के बाद जो है फिर केस नंबर मिला। केस नंबर मिलने के बाद लगातार इंतजार कर रहे थे, वो हमेशा हमारे लॉयर जो है रितिका रानी जी बार बार ये बोलते थे कि जो जल्द से जल्द जो है उस पर जो है सुनवाई होगी, केस जल्द से जल्द फाइल हो गया है तो उसका हियरिंग भी हम लोग करवा लेंगे, पहले हम लोगों को डेट मिल जाए। आर आर प्रसाद के बेंच में जो है वो मामला था 5802-2023, ये जो केस नंबर है वो फाइल है। तो अब जो जानकारी है कि लगातार आपने कहा कि फ्राइडे को फाइल हुआ है, तो फ्राइडे को तो हर एक फ्राइडे को फाइल होता है, तो ये तीसरा सप्ताह है जो फाइल होता गया, परंतु केस अभी तक जो डेट है वो अभी तक हम लोग को नहीं मिली। उसके बाद कोर्ट की छुट्टी भी हो गई, अभी 20 दिन कोर्ट बंद रहेगा। तो अभी जो बातें सामने आ रही है क्लियर कि आखिर कब तक हम लोग, तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, आपने क्यों नहीं करवाया, तो आप कब किए। अरे भाई, हमने तो एक एक चीज किया है, आप उन लोगों से पूछिए ना जिन लोगों ने, जो अपने तथाकथित छात्र नेता थे और बराबर सवाल करते थे कि हमने ये केस फाइल करने का निर्णय आप लोगों का था, मेरा था, तो हम लोगों ने फाइल किया है। अब जो लड़ाई लड़ी गई 31 लगातार आप कह रहे थे कि 4 जनवरी को क्या हुआ, तो आप लोग भी लगातार देख रहे थे ना, प्रोटेस्ट हुआ, किस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ, पहली पारी की जो परीक्षा थी वो रद्द की गई, परंतु दो पाली की परीक्षा रद्द नहीं हुई, तो हम लोग कोर्ट जाने का निर्णय लिए। तो कोर्ट जाने का जो फैसला है या नहीं है उसके संदर्भ में जब तक हियरिंग ना हो जाए, अब लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, अब आने वाला है, कब आने वाला है, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं जिनको आर्थिक रूप से सहायता भी नहीं करना है और तरह तरह का कमेंट भी करना है, तो इस तरह कमेंट करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इंतजार कीजिए, जब तक कोर्ट में हियरिंग नहीं हो जाती है, पहली हियरिंग जो भी पैसा है उनको दिया गया है, 10-15 हज़ार और बाकी है वो भी करके हम दे देंगे, लेकिन पहले कम से कम फर्स्ट हियरिंग तो करा ले। हम लोग लगातार लॉयर से बात कर रहे हैं। अब आप लोग जो जिस प्रकार का दबाव हम पर बनाते हैं, तो आप जाइए रितिका रानी से मिलिए कि सचिवालय सहायक के केस के संदर्भ में क्या हुआ, उनसे भी सवाल कर सकते हैं। जो सवाल आप हमसे करते वो सवाल आप उनसे भी कीजिए कि क्यों नहीं आप हियरिंग करवा रहे हैं, जब सब कुछ पैसा दे ही दे गया, थोड़ा बहुत बाकी है उसको भी हम लोग कर देंगे, तो उसको आप करवाइए। तो अब जो जिस तरह का सवाल है कि अब कब तक होगा, क्या होगा, रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो रिजल्ट सरकार जो सचिवालय सहायक की जो परीक्षा हुई तृतीय स्तरीय स्नातक की प्रारंभिक परीक्षा, तो बिहार कर्मचारी चयन है तो रिजल्ट तैयार करेगी ही ना पीटी का, तो रिजल्ट भी तैयार हो की जा रही है, हम लोग का हियरिंग भी नहीं हुआ। अब बात एक और बात है कि पहले भी केस फाइल किया गया था, अश्वनी भाई फाइल किए, तो उनका भी डेट अभी तक नहीं मिला है। तो लगातार आपको ये बताते चले कि 365 दिन में यानी एक वर्ष में मात्र 210 दिन ही ऐसे हैं जो वर्किंग डे काम होता है कोर्ट में। आपको एक जानकारी ये दे दें, दूसरी जानकारी कि कब तक हियरिंग होगा, तो इसके संदर्भ में जब तक हमारे लॉयर जब फाइल की हुई है, जब हम लोग तैयारी में हैं कि हियरिंग जल्द से जल्द हो, तो हियरिंग होगा। अब रही वह रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, तो ये जो जानकारी वो देंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी है या उनका जो वेबसाइट है वो देगा कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। हम बस इतना जानते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि बिहार सचिवालय सहायक की जो दो पाली की परीक्षा थी, 23 की दूसरी और 24 की प्रथम पाली की, उसको रद्द कराने को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, और जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आउट था वायरल था, तो सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी, तभी तो हम लोग कोर्ट गए।
अब जो बात है इंतजार करने की, तो कुछ लोग सेटर होते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा रद्द नहीं हो, तो हमको भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेरा जो उद्देश्य था यही था कि परीक्षा को रद्द कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, और हमने खटखटाया है, और हमको पूर्ण विश्वास है हियरिंग कब होगी ये हम आपको जल्द से जल्द तो नहीं बता देंगे कि हियरिंग होगी। हमारे लॉयर बोलते थे कि एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर डेट मिल जाएगा, वही जानकारी आपको देते थे। तत्पश्चात अब जो बातें आई कि जब हियरिंग होगा आपको पूरी जानकारी, पिछले 8-10 दिन से मेरा भी तबियत ठीक नहीं था, एक आने डिबेट में भी हम भाग लेते थे, परंतु तबियत मेरा कुल मिलाकर ठीक नहीं रहता था। फिर इसके बावजूद भी हम लगातार लोगों को जानकारी दे रहे थे कि हियरिंग का डेट आएगा तो आपको बताएंगे, नहीं भी आएगा तो एक दो अपडेट हम एक दिन में अपडेट देंगे। यही अपडेट अभी तक का है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हम देंगे वो है बीपीएससी में अपर एज को लेकर। तो बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार आप देख रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक समय है। सीपीआईएमएल के जो विधायक है अजय जी, विधायक दल के नेता, उन्होंने समय मुख्यमंत्री जी से मिलने का लिया है, और हम लोग कल जाकर, यानी आज ही जाने वाले थे लेकिन वो बोले कि कल आइए, कल जाकर हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे ताकि मुख्यमंत्री जी से समय मिलकर लेकर और जाके मिले। तो अभी तक की जो जानकारी स्पष्ट यही है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में जो हियरिंग होगी उसको, हियरिंग का डेट जैसे ही मिलेगा हम कम्युनिटी पोस्ट में या वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। और दूसरी सचिवालय सहायक के अलावा दूसरी जो जानकारी है बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग को लेकर, तो एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी अगर फाइल बन चुका है, रेडी है, तो सरकार की जो भी निर्णय होती है 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने का फैसला, या ऊपरी उम्र सीमा की कोरोना के कारण छूट देते हुए, क्योंकि देश के तमाम राज्यों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, या नॉर्थ ईस्ट के 4-5 राज्य हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई ऐसा, यहाँ तक झारखंड भी उसको करने जा रहा है, तो यहाँ तक कोई भी राज्य ऐसा बाकी नहीं है जहाँ की यहाँ की सिविल सेवा परीक्षा में अपर एज भी बढ़ाने की बात की गई। अब जो नियम है, कानून है, उसके तहत मुख्यमंत्री देखेंगे, और जो भी फैसला वो करेंगे निश्चित रूप से छात्र हित में फैसला होगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। निश्चित रूप से हम अगले अपडेट के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।